लेकिन बात यह है कि किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकते, लेकिन पिछले अगर तारीख को हम थोड़ा गौर करें तो मुझे ये लगता कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के हालात बड़ी नाजुक थी और शिवराज सिंह चौहान जो भी कहे आप, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना जीत हासिल कर पाई, क्योंकि उनकी जो लाडली बहनें जो योजना और जो मामा जी की जो रुतबा, वो चुनाव में भारी भरकम असर हुई थी। मोदी जी जो भी कहे, बीजेपी पार्टी के सब लोग तो मोदी जी की ही हर श्रेय देना चाहते हैं, लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान वहां ना होते तो बीजेपी को जीत हासिल करना मध्य प्रदेश में मुश्किल होती। तो जितने वो मोदी जी की जीत नहीं हुई, उससे ज्यादा पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की जीत मुझे लगा। ये मेरा अपना विचार की बात करते हैं, फिर भी कहीं ट्राइबल कहीं ओबीसी, तो अगले लोकसभा के मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। आम लोगों की अगर भला हो तो हमें अच्छा लगेगी, क्योंकि जो भी हो आम लोगों को अच्छा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लोग इतने दिनों से बीजेपी के राज में रह रहे होंगे, उनको सबसे ज्यादा पता चलेगी कि कथनी और करनी में फर्क क्या बनते। इस बार भी उनको देखना पड़ेगा कि कथनी और करनी में फर्क किस तरीके की होने वाला है।